देखेंगे क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 9.2 का पार्ट 4। तो इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन पार्ट में इस एक्सरसाइज को का क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं, सॉल्यूशन दे चुके हैं। चूँकि थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है और अलग अलग टाइप का है, इसलिए टाइप वाइज वीडियो बना रहे हैं, ज़्यादा पार्ट में बन रहा है और एक पार्ट बनेगा, चौथा पार्ट में भी ख़त्म होने वाला नहीं है क्योंकि अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इसके बाद एक और वीडियो बनाना पड़ेगा 9.2 का। तो चलिए शुरू करते हैं आज पार्ट 4। तो उसमें पार्ट 3 तक 9 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व हो चुका है, आज देखेंगे 10 नंबर्स। लेकिन 9 नंबर में का दूसरा नंबर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था उसको बताने में, तो उसको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, हिंस दे दे रहे हैं, उसको आप अपने से बना लीजिएगा। थोड़ा सा बता रहे क्या गलत हुआ था, इसे वहाँ भी मेंशन कर दिए थे लेकिन फिर भी देख लीजिए। क्वेश्चन था, अनीता ने 45 दर्जन पेंसिल 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी तथा उसने पेंसिल को 3 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेची, तो हमको लाभ हुआ या हानि उसको निकालना था और उसका लाभ या हानि का प्रतिशत। तो 45 दर्जन पेंसिल था, 45 दर्जन पेंसिल, तो इसमें हम 45 दर्जन को छोड़ दिए थे, 45 पेंसिल का हम क्रय विक्रय मूल्य निकाले थे। तो आप क्या करेंगे, 45 दर्जन का निकाल लीजिएगा, है ना। तो 45 दर्जन का कितना होगा, यानी एक दर्जन में कितना होता है, एक दर्जन बराबर 12 होता है, ठीक है। तो 45 दर्जन में कितना होगा, तो 12 से 45 को गुणा कर लेंगे, यानी 12 पच्चे 60, 12 चौका 48 और 6 कितना होगा, 54, यानी 540 पेंसिल है टोटल। तो 540 पेंसिल का हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ये सब निकालना था, लाभ हानि इस पर निकालना था, लेकिन हम निकाल दिए थे 45 पेंसिल पर। तो ऐसे आंसर सेम आएगा, जितना हम लाए थे उसमें आया था उतना ही सेम आएगा आंसर, बस 45 की जगह, मतलब 540 की जगह हम 45 लिख दिए थे, 45 दर्जन को 45 पेंसिल मान के चले थे, फिर भी सेम आंसर आया था, लेकिन वो गलत था। 45 से गुना जहाँ पे कहीं किए थे वहाँ पे आप 540 पेंसिल का निकालिएगा, उससे गुना कीजिएगा, है ना। इसे इससे इसी के से रिलेटेड तीन क्वेश्चन था उसमें, तो तीनों को बता दिए थे, तो ये तो अपने से भी हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन आगे देखते हैं आज, 10 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 300 किलोग्राम गेहूँ 15 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा गया। टोटल गेहूँ खरीदा गया 300 केजी, ठीक है, 300 किलोग्राम गेहूँ खरीदा गया और कितना रेट से खरीदा गया वो दिया हुआ है, पंद्रह रुपया प्रति किलोग्राम, यानी कि लिखेंगे क्या, 1 केजी गेहूँ है, तो गेहूँ का मूल्य कितना रुपया, 15 रुपया ये दिया हुआ है, ठीक है, यानी 15 रुपया प्रति किलोग्राम गेहूँ खरीदा गया। तो 1 केजी का मूल्य कितना, 15 रुपये, 15 रुपये प्रति केजी, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि 1 केजी का 15 रुपये ये खरीदा गया है ना, तो क्रय मूल्य लिख सकते हैं, क्रय मूल्य। तो 1 केजी गेहूँ का क्रय मूल्य है 15 रुपये दिया हुआ, टोटल गेहूँ 300 केजी खरीदना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, 300 केजी गेहूँ का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 किलो का 15 रुपया, तो 300 किलो का, तो 300 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 15 रुपया 45 और 2 0, यानी 4500 रुपया लगेगा 300 केजी गेहूँ खरीदने में, क्या लगेगा, क्रय मूल्य, यानी इतना पूंजी लग गया। अब विक्रय मूल्य के बारे में क्या दिया हुआ देखते हैं, 5% हानि पे बेचा गया बोला है, ठीक है। तो हानि तथा विक्रय मूल्य निकालना है, बोला गया क्या कि 5% हानि पर बेचा गया, तो 5% हानि पर बेचा गया और हमको फाइंड करना है इसका हानि और विक्रय मूल्य। हानि क्या है उसको निकालना है, वाट लगा देते हैं, और विक्रय मूल्य कितना है वो हमको निकालना है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 300 केजी गेहूँ है, 1 केजी 15 रुपया में, यानी 300 केजी 4500 रुपये पड़ा होगा शुद्ध गेहूँ खरीदने में, और बोला है कि 5% हानि पर इसको बेचा,
तो हमको हानि कितना हुआ उसको निकालना है और विक्रय मूल्य कितना हुआ यानी कितना में बेचा होगा वो हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा, उसका पूंजी लगा हुआ कितना 4500 और बोला हानि हुआ। हानि हुआ इसका मतलब सबसे पहले तो इतना समझिए कि 4500 में ख़रीदा तो 4500 में से कम में बेचा होगा तब उसको हानि हुआ है ना, अगर इससे ज़्यादा में बेचता तो लाभ होता, यानी इससे कम में बेचा होगा। अब कितना कम में बेचा होगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दिया हुआ इससे देखेंगे। देखिए 5% हानि हुआ है तो 5% दिया हुआ है, लेकिन कई रुपया हानि हुआ वो तो नहीं दिया हुआ है ना, कितना रुपया हानि हुआ वो दिया हो रहा था तो हम विक्रय मूल्य निकाल सकते थे, लेकिन यह परसेंट में दिया हुआ है 5% हानि हुआ। तो परसेंट का मतलब समझ में आ रहा है कि कितना रुपया हानि हुआ, तो उसको कैसे रुपया हम चेंज करेंगे, तो देखिए 5% किसका दिया हुआ है तो करें मूल्य का यानी 4500 का, तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट क्या 4500 का कितना परसेंट 5%, तो यहाँ से 5% निकाल देते हैं इसका कई रुपया होता है पता चल जाएगा। तो 4500 का मतलब गुना 5 और परसेंट को हटाने पर बोले थे क्या नीचे लग जाता है 100, परसेंट लगाने के लिए ऊपर गुना करते हैं 100 से, परसेंट दिया हुआ है तो उसको हटाने के लिए बटा के नीचे 100। ठीक है, अब देखिए 2×0 2×0 कट गया, अब इसको गुना कर देते 5×25 का 5 हाथ में 2 5×2 20 2 22 मतलब हमको रुपया निकल गया। इसका 5% निकाल दिए किसका क्रय मूल्य का, तो कितना आया 225, यानी कि क्या हुआ ये हानि हुआ, हानि कितना हुआ तो 225 रुपया, यानी हानि ही हमको निकालना था तो हानि आ गया कितना 225 रुपया। ठीक है, तो 225 रुपया हानि हुआ उसको। अब हानि तो आ गया तो अब हमको और क्या निकालना है, एक आ गया हानि विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा उसको आप बताइए। तो ये सब का फार्मूला है बहुत सारा, तो फार्मूला अगर रहेगा याद रहेगा तो याद कीजिएगा, रटिएगा तो भूल सकते हैं, इसलिए बिना फार्मूला का हम बताते हैं है ना, फार्मूला हमको भी याद नहीं है। देखिए कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य हानि दिया हुआ मतलब हानि निकल गया अभी, और कितना में ख़रीदा था वो दिया हुआ है, कितना में ख़रीदा था 4500 में, और हानि किया नुकसान कितना हुआ 225 रुपया, तो विक्रय मूल्य यानी कितना में बेचा होगा, इसको इससे घटा देने पर भी कितना में बेचा होगा वो निकल जाएगा है ना। जैसे इसका छोटा थोड़ा रूप लेकर के समझ लेते हैं, जैसे कोई चीज़ को हम लिए 20 रुपया और 5 रुपया हम हानि में बेच दिए, उसको 5 रुपया हानि करके उसको यानी नुकसान करके बेच दिए, तो खरीदे थे 20 रुपया, 5 रुपया हमको हानि हुआ उसको बेचने पर, यानी कि कितना में बेचे होंगे तो 15 रुपया में बेचे होंगे, 20 में खरीद के 15 में बेच दिए तब ना 5 रुपया हानि हुआ, तो ये 15 कैसे आया तो 20 जितना खरीदे थे उसको हानि से घटा दिए, तो 20 में 5 घटाए तो 15, यानी वो इसमें वही करेंगे जितना मैं खरीदा था उसको हानि को उससे हानि कितना हुआ उसको घटा देंगे। यानी अगर फार्मूला लिखना चाहे तो फार्मूला क्या लिख सकते हैं, ये क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य माइनस ये क्या है हानि, तो हानि दोनों को घटा देंगे तो क्रय मूल्य कितना 4500 माइनस हानि कितना 225। तो ये फार्मूला हो, फार्मूला याद नहीं था हमको, बस फार्मूला यहाँ से देख करके समझ में आया कि क्या फार्मूला बनेगा, तो ऐसे फार्मूला को याद नहीं करना, बस सिचुएशन को क्वेश्चन को देख करके समझ जाना है कि कैसा फार्मूला बनेगा। आप चाहे तो फार्मूला लिख लीजिएगा, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसको घटा दीजिए, 4500 में 225 रुपये घटाएँगे मैंने 10 में 5 तो 5, 9 में 2 तो 7, यहाँ 4 बच गया, 4 में 2 तो 2 और इधर 4, यानी 4275 रुपया में उसको क्या किया होगा बेचा होगा, तब जाकर के कितना 225 रुपया उसको हानि हुआ। ठीक है, 4500 में ख़रीदा 4275 में बेच दिया, मतलब कितना हानि हो गया कितना 225 रुपया, इसको आप घटा के भी देख लीजिएगा इतना आएगा उसका हानि। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक मोबाइल 8000 में ख़रीदा गया, मोबाइल ख़रीदा गया कितना में उसको दिया हुआ, तो लिख देंगे मोबाइल का ख़रीदने का मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर 8000 रुपया, तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा उसको बस उतारते जाना है और क्या निकालना है उसको भी लिखते जाइए, उसके बाद फिर अपने आप उसको फिर आसान हो जाएगा निकालने में। तो एक मोबाइल 8000 में ख़रीदा गया, 10% लाभ पर बेचा गया, तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ करके, देखिए वर्ड में जब भी क्वेश्चन रहे तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए और उसको लिखते जाइए, और उससे जो समझ में आ रहा है, जो उससे निकल रहा है या जो निकालने की ज़रूरत है उसको निकालते जाइए। तो
तो आसानी से एकदम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक ही बार पूरा क्वेश्चन को, बहुत सारा लंबा क्वेश्चन रहता है, पूरा को अगर एक ही बार पढ़िएगा तो दिमाग हैंग कर जाएगा। हम भी अगर पूरा क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ेंगे तो हमको भी नहीं समझ में आता है कि क्या करें इसको। तो थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन पढ़ें, एक एक टुकड़ा, और उसको लिखते जाएँ, और उसमें कुछ निकालना होगा तो उसको निकालते जाएँ, ठीक है। जैसे दिया हुआ था मोबाइल का खरीदा 8000 में, तो उसको लिख दिए मोबाइल का क्रय मूल्य, खरीदना मतलब क्रय मूल्य होता है इसलिए 8000 रुपया। उसके बाद इसका आगे बोला है 10% लाभ बेच दिया, तो लिख देंगे लाभ बराबर 10%, ठीक है, 10% लाभ पर बेच दिया। अब आगे क्या करना उसको हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए लाभ हुआ 10%, यानी हमको पता नहीं चल रहा, लाभ परसेंट तो पता चल गया लेकिन लाभ कै रुपया हुआ ये पता नहीं चल रहा है। तो रुपये कितना रुपया लाभ हुआ, फायदा हुआ, वो जानना जरूरी है, तभी आगे क्वेश्चन कुछ बनेगा। इसलिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको इसका रुपया निकाल लेंगे, यानी 10% जो दिया हुआ है इसमें कितना रुपया हुआ, तो किसका 10% दिया हुआ है, तो ये क्रय मूल्य का दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ 8000, इसका कितना 10%, तो इसका 10% निकल जाएगा, यानी 8000 का मतलब गुना 10% हटा तो 100, 20 यहाँ से 20 कट गया, तो यहाँ पर 80 और 10 गुना कर लो कितना हो जाएगा 800। यानी क्या समझ में आया, 8000 का 10% कितना होता है, 800 रुपया होता है, यानी 800 क्या हुआ, लाभ ही तो है ना, लाभ परसेंट में था, उसी को लाभ निकाले, यानी लाभ को क्या किया, रुपया में चेंज कर दिया, तो कितना आया, तो लाभ आ गया हमको 800 रुपया, यानी 800 रुपया का लाभ हुआ, ठीक है। अब क्लियर समझ में आ रहा है, 8000 में 800 रुपया लाभ हुआ, फायदा हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्या बोला कहाँ गया, हाँ बस इतना ही क्वेश्चन था। उसके बाद बोला था लाभ तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो लाभ तो निकल गया यहीं, अब हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, फॉर्मूला याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखिए खरीदा 8000 में, फायदा हुआ 800 में, तो दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। जैसे खरीदे कोई चीज़ 10 रुपया में और 5 रुपया फायदा होगा, मतलब जोड़ देंगे 15 रुपया में बेचे होंगे तब ना 5 रुपया फायदा होगा, तो 10 और 5 में जोड़ देंगे। तो उसी तरह इसमें भी खरीदे 8000 में और फायदा हुआ 800, मतलब कितना में बेचे होंगे, तो 8000 800 में बेचे होंगे, यानी फॉर्मूला बनाना चाहे तो क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 8000 प्लस 800, यानी बेचे कितना में 8800, ये हो गया इसका विक्रय, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य में क्या आ रहा है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, तभी विक्रय मूल्य बराबर क्या आया था, क्रय मूल्य माइनस हानि, तो इसी में कन्फ्यूज हो जाता है कि कहीं पे माइनस है कहीं पे प्लस है, और विक्रय मूल्य ही निकाल रहे हैं, एक ही चीज़ का दो दो फॉर्मूला क्या हो रहा है, हाँ। तो फॉर्मूला को रटने की कोशिश कीजिएगा तो कन्फ्यूजन होगा, लेकिन समझ के बनाइएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। चूँकि उसमें हानि हो रहा था इसलिए घट रहा था, इसमें लाभ हो रहा है यानी कि जोड़ देंगे तब पता चलेगा कि कितना में बेचे होंगे। जैसे 8000 में खरीदे 800 लाभ हुआ, इससे पता चल रहा है कि 8800 में बेचे होंगे तब 800 लाभ हुआ, तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा। और ये समझ में नहीं आता है तो फॉर्मूला भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए फॉर्मूला को ना रटें, समझिए क्वेश्चन और उसके आधार पर फॉर्मूला आप अपने से बनाइए, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार पुस्तक की 30 प्रतियाँ 15% लाभ पर बेचता है, तो पुस्तक कितना है टोटल, पुस्तक की 30 प्रतियाँ बोला है, यानी 30 उसका जेरोक्स कॉपी रहा हो, यानी पुस्तक की संख्या लिख सकते हैं, पुस्तक की संख्या दिया हुआ 300 है, ठीक है। ये संख्या है, ये रुपया पे कुछ नहीं, इस बस संख्या लिखी है, पुस्तक की संख्या 300 है, हाँ। अब बोला 15% लाभ पर बेचता है, तो लाभ 15% लाभ पर बेचता है ये दिया हुआ है, तो चलिए लिख देते हैं लाभ 15% हो रहा है, जैसे जैसे दिया हुआ वैसे लिखते चले, कहाँ गया, हाँ। यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 48 रुपया है, फिर बोला है क्या, यदि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 48 रुपया है, तो क्या लिखेंगे, एक पुस्तक
का क्रय मूल्य बराबर 48 रुपये, ये दिया हुआ है तो लिख दिए। अब देखिए एक पुस्तक का क्रय मूल्य दिया हुआ है 48 रुपये, टोटल पुस्तक की संख्या कितना है 300, तो 300 पूरा का निकाल लेंगे क्योंकि 300 पुस्तक बेचा है उसने, तो क्या करेंगे 300 पुस्तक का क्रय मूल्य निकालेंगे। तो 300 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक का दाम है 48 रुपया, तो 300 से गुना कर देंगे तो 300 किताब का दाम निकल जाएगा, तो गुना कर देते हैं 300 से, कितना हो जाएगा 20 तो लग जाएगा, 3 8 24 के 4 हाथ में 2, 3 4 12 8 2 14, यानी कितना हुआ 14,400 रुपया 300 किताब में उसको क्या पड़ा क्रय मूल्य यानी पूंजी लगा उसका। यहाँ तक क्लियर है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 48 रुपया तो पुस्तकों का क्रय मूल्य और पुस्तकों का विक्रय मूल्य याद करें, तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य फाइंड करना है, ठीक है। देखिए कैसे निकलेगा, पूंजी कितना लगा यानी क्रय मूल्य कितना हुआ 14,400, और क्या दिया हुआ लाभ दिया हुआ, ठीक है, दोनों से हमको विक्रय मूल्य आसानी से निकल जाएगा। देखिए लाभ प्रतिशत में दिया हुआ, तो सबसे पहले क्या करेंगे प्रतिशत को तोड़ देंगे, रुपया ले आएंगे उसको कि कितना रुपया लाभ हुआ, तो क्या करेंगे 14,400 का 15% निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा इतना का मतलब गुना 15% मतलब नीचे 100, 2 0 कट गया, अभी दोनों गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 4 60 का 0 हाथ में 6, 15 4 60 और 6 66 हाथ में 6, 15 का 15 6 21, मतलब क्या आया 21,60 रुपये क्या आया लाभ आ गया, ठीक है। लाभ का ही परसेंट में था, उसको हम परसेंट तोड़ दिए तो कितना लाभ आया 2160 रुपया, ठीक है। तो इतना लाभ हुआ, खरीदा था इतना में और इतना फ़ायदा हुआ, लाभ हुआ यानी फ़ायदा हुआ, तो फ़ायदा हुआ कब फ़ायदा होगा, इससे ज़्यादा हम बेचा होगा तब ना फ़ायदा होगा, तो कितना ज़्यादा हम बेचा तो 2160 रुपया, तो विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य कितना हो गया, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या कर देंगे इसको इससे जोड़ देंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, या बिना फार्मूला का भी जोड़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसको जोड़ देंगे कितना लाभ जितना हुआ उससे, कितना हो जाएगा 0 में 0 जोड़ें 0, 6 में 0 6, 1 में 4 5, 2 4 6 और 1, यानी इतना रुपया में उसको बेचा होगा 16,560 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। इस तरह से आगे आप अपने से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। माइकल ने 1200 अंडे 16 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे, तो चलिए उसको लिख लेते हैं। माइकल है या नाम से तो हमको कोई मतलब नहीं, माइकल है या कोई भी है, 1200 अंडे खरीदा उससे मतलब है हमको, ठीक है। तो 1200 अंडा 16 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा, ठीक है। तो अंडा की संख्या दिया हुआ, अंडों की संख्या लिख देते हैं, कितना दिया हुआ है 1200 अंडा खरीदा, कैसे खरीदा अब उसको लिखते हैं। 15 रुपया, ओह 15 में कितना है 16 रुपये प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन खरीदा है तो क्रय मूल्य का क्रय मूल्य उसको हुआ 16 रुपये, ये दिया हुआ है 16 रुपये प्रति दर्जन खरीदा, यानी एक दर्जन का क्रय मूल्य उसको लगा 16 रुपया, ठीक है। तो 16 रुपया अगर एक दर्जन का लिया तो हमको निकालना कितना का है 1200 अंडा का, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा एक दर्जन का इतना रुपया, तो एक अंडा का कितना होगा उसको निकालना होगा, एक अंडा का निकल जाएगा तो हमको 1200 अंडा से गुना कर देंगे तो 1200 अंडा का पैसा यानी क्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे एक अंडा का निकालेंगे पहले, एक अंडा का क्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा एक अंडा का, 12 अंडा का 16 रुपया है तो 12 नीचे आ जाएगा तो ये एक अंडा का निकल जाएगा, ठीक है। तो एक अंडा का निकल गया, अब हमको निकालना 1200 अंडा का, तो लिखेंगे 1200 अंडे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक का है 16 बटा 12 तो 1200 से गुना कर देंगे तो 1200 अंडा का निकल जाएगा,
देखिए 12 और 12 कट गया, 12 का 12 और 2 जीरो, यानी 16 का 16 और 2 0, यानी 1600 रुपया 1200 अंडा का क्या हुआ क्रय मूल्य, यानी टोटल उसको क्रय मूल्य यानी टोटल पूंजी लगा 1600 रुपया 1200 अंडा खरीदने में। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। वह इन्हें प्रति सौ किस दर से बेचे कि उसे 15% लाभ हो। तो लाभ बोला है 15% लाभ करने बोला है, हाँ फायदा करने, तो 15% लाभ करने पर उस करना अगर हो बोला है कि 15% अगर उसको लाभ करना हो फायदा कमाना हो तो 100 अंडा को कितना रुपया में बेचेगा, कैसे 100 के दर से बेचेगा, ऐसा लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है, किधर क्वेश्चन चल जाता है, हाँ इन्हें प्रति सौ किस दर से बेचना पड़ेगा। प्रति सौ यानी 100 अंडा का मूल्य हमको निकालना है, ठीक है। 100 अंडा को कितना में बेचना पड़ेगा, प्रति एक एक 100 अंडा को कितना कितना रुपया में बेचना पड़ेगा वो हमको निकालना है, ठीक है। क्या विक्रय मूल्य यहाँ लिख सकते हैं, ये हमको निकालना है। तो हमको लाभ करना है 15%, तो पहले क्या करेंगे इसका हम 15% निकाल लेंगे तो रुपया समझ में आ जाएगा कि कितना रुपया लाभ करना है। तो चलिए निकाल देते हैं 1600 का 15%, तो 1600 का मतलब गुना 15% मतलब नीचे 100, ये क्या है लाभ है ना। तो 2 0 कट गया, 15 6 90 का 0 हाथ में 9, 15 का 15 9 24, यानी 240 रुपया क्या आया लाभ, 240 रुपया बोल रहा है फ़ायदा करने है ना। तो 240 रुपया फ़ायदा करना है, खरीदे हैं 1600 में तो बेचना कितना में पड़ेगा, तो 1600 और 240 रुपये फ़ायदा करना है यानी 1600 और 2 1840 रुपया हम बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, पहले विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1600 में खरीदे हैं और फायदा हुआ 240 रुपया, यानी बेचे होंगे कितना में, तो 1600 और 2 1840 रुपया में दिया गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आ गया, लेकिन कितना का आया 1200 अंडा टोटल अंडा का विक्रय मूल्य आ गया, हमको निकालना है 100 अंडा का विक्रय मूल्य, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले ये कितना अंडा का आया, तो 1200 अंडा टोटल अंडा का काम कर रहे हैं, तो 1200 अंडा का विक्रय मूल्य आया, ठीक है। यहाँ लिख किधर बनाए, चलिए यहाँ पर सही से इसको बना देते हैं, ये हमको 100 अंडे का विक्रय मूल्य निकालना है। तो अभी आया हमको 1200 अंडे का विक्रय मूल्य, तो यहाँ लिख सकते हैं 1200 अंडे का विक्रय मूल्य कितना आया 1840 रुपया, ठीक। 1200 अंडा का विक्रय मूल्य 1840 रुपया, तो सबसे पहले एक अंडा का निकालेंगे, तब उसको फिर 100 से गुणा कर देंगे तो 100 अंडा का निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एक अंडा का विक्रय मूल्य, तो एक अंडा कितना हो जाएगा 840, ये 1200 नीचे आ जाएगा, तो आ गया एक अंडा का, ठीक है। अभी काट पीट कुछ नहीं करते हैं, अभी बस लिखते चले। तो एक अंडा का विक्रय मूल्य आ गया 840 बटा 1200, तो एक अंडा का इतना दाम है, तो 100 अंडा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, चलिए इसको सही से लिखते हैं, 100 अंडा का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, एक अंडा का विक्रय मूल्य 840 बटा 1200, हमको निकालना 100 का, तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब काटते हैं 0 0 कट गया है, और ये 12 का 12 कितना हुआ 4 44 हुआ, 12 36, हाँ 12 का 12 6, अच्छा 6 गया है ना, 64 हुआ ये, तो 12 25 60 हो गया, 12 25 60, ठीक। 4 गया 40 हुआ, 12 36 ख़त्म हो गया, तो पॉइंट लगेगा, फिर से 40 होगा तो 12 36, फिर से 40 होगा 12 36, ऐसा 3 3 आते रहेगा, यानी 153.3 रुपया में उसको
बेचना पड़ेगा 100 अंडा को। क्लियर है? यहाँ पे थोड़ा देर अच्छे से कर लीजिए, काटे हैं काट दिए डायरेक्ट, यानी 12 सीए नहीं कट रहा है तो इसको भाग देना है, ठीक है? भाग दे करके आप ला सकते हैं अच्छे से, ये इतना को भाग देना है। तो 12 एक 12 होगा, बच जाएगा यहाँ 6, 4 64 हो जाएगा, फिर 12 बचे 60, 4 बच गया 40 हुआ, 12 तिया 36, फिर से 4 बच गया तो पॉइंट लगेगा, फिर 0, 12 तिया 36 है ना, दिया है। क्लियर है? उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक क्लियर है? बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने 1200 केले 15 रुपया प्रति दर्जन के दर से खरीदा, ठीक है? कितना केला? 1200 केला है ना, लिख देते हैं केलों की संख्या, केलों की संख्या दिया हुआ है 1200, यानी 1200 केला वो खरीदा। कैसे खरीदा? तो पंद्रह रुपया प्रति दर्जन के दर से, यानी एक दर्जन का कितना पड़ गया उसको, तो एक दर्जन का खरीदा मतलब क्रय मूल्य 15 रुपया, ठीक? एक दर्जन का 15 रुपया हमको निकालना है 1200 केला का। तो सबसे पहले एक केला का निकालेंगे, तो एक केले का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 15 12, एक दर्जन में 12 इसलिए नीचे आ जाएगा 12, तो एक केला का मूल्य 15 बटा 12 रुपया। तो एक केला का निकला था, हमको निकालना कितना 1200 केला का, तो 1200 केले का क्रय मूल्य हो जाएगा कितना, एक का इतना, तो गुना कर देंगे 1200 से, तो 1200 का निकल जाएगा, काटते हैं कट रहा है, तो 12 का 12 2 0, यानी कि 15 का 1500 रुपया आ गया इसका, क्या आया करें, कितना केला का 1200 केला का, यानी टोटल पूंजी उसका लग गया उसमें 1500 रुपया। अब कैसे बेचा है उसको देखते हैं। उसने इनमें से 800 केला 4 रुपये 2 की दर से बेचा, ठीक है? 800 केला को अलग रेट से बेचा है, ठीक है? 800 केले का विक्रय मूल्य लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य 800 केला को अलग दर से बेचा है, फिर बाकी जो केला बच गया उसको अलग दर से अलग रेट से बेचा है, इसलिए 800 केला का पहले विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, ठीक है? तो 800 केला को कैसे बेचा है, 800 किलो को 4 रुपये 2 की दर से बेचा है, 4 रुपया में 2 की दर से, यानी कि 4 रुपया में 2 केला दिया था, ठीक है? तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, 2 केले का विक्रय मूल्य दिया हुआ क्या रुपया, 4 रुपया, ठीक है? 2 केले का विक्रय मूल्य 4 रुपया। तो सबसे पहले एक केला का निकालेंगे, तो एक केले का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 4 बटा 2, कट रहा है 2 2 4, यानी एक केले का विक्रय मूल्य 2 रुपया। तो 800 केला को इस रेट से बेचा है, तो निकाल देते हैं 800 केले का विक्रय मूल्य, तो एक का 2 रुपया, तो 800 का 2 रुपया, तो 800 से गुना कर देंगे, यानी 1600 रुपया। तो 800 केला का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 1600 रुपया, ठीक? और फिर बाकी केला को क्या किया, शेष को 8 रुपया में 5 की दर से बेचा, ठीक है? बाकी जो केला बच गया उसको बोला है 8 रुपया में 5 केला दिया, यानी 5 केले का मूल्य लिखेंगे, 5 केले का विक्रय मूल्य। तो चलिए उसको ऊपर मिटा देते हैं, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक उतार लीजिएगा। तो यहाँ से काम है, इधर तो काम नहीं, इधर को मिटा देते हैं। चलिए तो देखिए, 800 केला का विक्रय मूल्य निकल गया, टोटल केला कितना था, 1200 ही ना था, हाँ 1200 था, 800 तो बेचा गया, बिक्री हो गई 800, कितना केला बच गया और 400 है ना, तो लिख देंगे 400 केले का विक्रय मूल्य, यानी अब 400 केला का विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो 400 केला का विक्रय मूल्य में दिया हुआ है 8 रुपया में 5 की दर से बेचा, यानी कि 5 केला दिया, 5 केले का विक्रय दिया हुआ, ठीक है? 5 केला बेचा कै रुपया में, 8 रुपया, तो 5 केले का विक्रय मूल्य 8 रुपया लिख दिए, क्लियर है? तो एक केले इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, एक केले का विक्रय मूल्य, तो 8
बटा नीचे आ जाएगा ये 5, कितना रह गया 1 केला का, हमको निकालना कितना 400 केला का, तो लिखेंगे 400 केले का विक्रय मूल्य, यानी इसको 400 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब ये कट रहा है 5 8 40 काट दिए, कितना हो गया 8 8 64 और 1 0, यानी 640 रुपया हो गया 400 केला का, और इधर आया था 800 केला का, तो टोटल यानी कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कुल विक्रय मूल्य यानी टोटल जो केला है सबको बेचा तो कितना उसको हुआ, यहाँ से 1600 हुआ और इससे जोड़ देंगे तो कितना हो गया 00446612 2240 रुपया विक्रय मूल्य हुआ, कितना कुल केले का। ठीक है, अब इधर कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए क्रय मूल्य कितना था, 1500 रुपया था। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना आ गया, 2240 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ, फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ है ना, हाँ लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, तो फ़ायदा हुआ 1500 में खरीद के 2200 में बेचें, यानी लाभ हुआ, तो लाभ निकाल देंगे, कितना लाभ हुआ तो इसको दोनों को घटा देंगे तो निकल जाएगा इतना माइनस 1500, कितना हुआ देखिए, 0 में 0 0, 4 में 0 तो 4, 12 में 5 तो 7, 1 में ख़त्म, यानी 740 रुपया उसको लाभ हुआ। अब हमको इसका क्या निकालना है, प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर, यानी इसका निकालना ऊपर रख देंगे, किससे प्रतिशत निकालना है तो क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य को नीचे फिर गुना कर देते हैं 100 से, तो 2 0 2 0 कट गया, 5 3 15, 5 1 5, 6 7 24 हुआ, 5 4 20, 4 1 40 हुआ, 5 8 40। ठीक, 3 से कटेगा, 8 4 12 13 नहीं कटेगा, मतलब कितना आया, 148/3, इसको चाहे तो आप डिवाइड करके पॉइंट में लिख ले या इतना ही परसेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना परसेंट आंसर, या डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 2 जाएगा 28, ओ ये तो कट रहा है, 3 से कटना है, नहीं कट रहा, 3 4 12 2 28 हुआ, 3 9 27, 1 बच गया, पॉइंट लग जाएगा, 10 को 3 दिया 9 3 दिया 9 7 दे रहे। ठीक है, या पूर्णांक में होगा तो पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर यही है, चाहे आप ऐसा लिखें या ऐसा लिखें या भाग दे करके इसको पूर्णांक में लिखें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।